Hello everyone. So we are further extending our chapter. Last class में हम लोगों ने chapter number 2 start किया था, structure of atom. अभी और हम लोगों ने उसमें discovery of electron के बारे में पढ़ा था. अभी आज हम पढ़ेंगे discovery of protons and neutrons. ठीक है, चलिए देखें. अब basically protons और neutrons की अगर हम बात करते हैं तो जैसे कि कैथोड रेस का डिस्कवरी हुआ था, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट करा था, सेम वही एक्सपेरिमेंट से पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स की भी डिस्कवरी हुई थी, उन्हें हम केनाल रेस भी बोलते हैं. ठीक, अब इन रेस की करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं, केनाल रेस की करेक्टरिस्टिक्स देखिए क्या क्या हैं. पहली चीज़, कैथोड रेस की तरह ही जो केनाल रेस होती हैं ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं और डिपेंड करते हैं नेचर ऑफ गैस पे जो कि कैथोड रे ट्यूब में प्रेजेंट है. ये गैस डिपेंड नहीं करते हैं, एक्चुअली यहाँ पे डू नॉट डिपेंड आना चाहिए था. ये गैसेस सिंपल पॉजिटिवली चार्ज आयंस होते हैं. ठीक है, जो चार्ज टू मास रेशियो है वो गैस पर डिपेंड करता है जिससे वो बना है. कुछ जो पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज़ हैं, कुछ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स जो हैं उनमें काफ़ी सारे इलेक्ट्रिकल चार्ज होते हैं. फंडामेंटल यूनिट है इलेक्ट्रिकल चार्ज की. जो ये बिहेवियर है ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में क्या हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है. ओके, चलिए नेक्स्ट. जो स्मॉलेस्ट और लाइटेस्ट पॉजिटिव आयन है जो कि हमें मिला है हाइड्रोजन से, वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा कहलाता है प्रोटॉन. ओके, तो बेसिकली देखो प्रोटॉन की डिस्कवरी कैसे हुई थी. ये हमारे पास डिस्चार्ज रे ट्यूब था, ये एनोड है, ये कैथोड है. ठीक है, कैथोड से तो हमारे एनोड की तरफ गए थे, तो ये रेस कौन से थे, इलेक्ट्रॉन के थे. सिमिलरली हमने ये एक्सपेरिमेंट में देखा कि एनोड से भी कैथोड की तरफ कुछ ना कुछ पार्टिकल्स जा रहे थे. दिस इज़ एनोड एंड दिस इज़ कैथोड. तो एनोड से भी कैथोड की साइड कुछ पार्टिकल्स जा रहे थे. तो ये पार्टिकल्स जो हमारे थे ये कैसे थे, पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज थे. तो इन्हें हमने क्या बोला था, प्रोटॉन बोल दिया था. ठीक, किसने डिस्कवर किया था प्रोटॉन को, रदरफोर्ड ने. नेक्स्ट आते हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स. न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी कैसे हुई थी, चैडविक ने करी थी. इन्होंने क्या करा, बेरिलियम की शीट ली और उस पर अल्फ़ा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट कराया. जब इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल्स जो थे तब बम्बार्डमेंट कराया तो बम्बार्डमेंट कराने पे इन्होंने देखा कि कुछ न्यूट्रल पार्टिकल्स जिनका मास जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा है प्रोटॉन से, वो एमिट हुए हैं. उन न्यूट्रल पार्टिकल्स को इन्होंने क्या नाम दे दिया, न्यूट्रॉन्स. और जो डिस्कवरी रही ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पहले हम ये मानते थे कि जो मास है, ठीक है, एटम का मास किसकी वजह से होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों की वजह से होता है. तो अगर सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन होता तो हम इस चीज़ को जस्टिफाई नहीं कर पाते कि बाकी का मास कहाँ से आया है. ठीक है, चलिए अब बात करते हैं देखिए आगे मॉडल्स की. तो अगर हम मॉडल्स की बात करें तो हमारे पास काफ़ी सारे मॉडल्स बाद में निकले. देखिए पहले हम लोगों ने क्या बात करी कि एटम है तो एटम में पार्टिकल्स क्या क्या है. ठीक, पार्टिकल्स आइडेंटिफाई होने के बाद फिर क्या हुआ, साइंटिस्ट ने शुरू करा कि मॉडल्स डिस्क्राइब किए जाएँ कि किस तरह का मॉडल बन सकता है पार्टिकल्स के थ्रू. तो आता है हमारे पास थॉमसन. सबसे पहला मॉडल जो था वो था थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम. तो थॉमसन के हिसाब से एटम जो है वो एक स्फेरिकल शेप में होता है. ठीक है, एटम जो है वो कैसे होता है, स्फेरिकल होता है शेप में. उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल ऐसे होता है जैसे नेगेटिव. देखिए इन्होंने प्लम पुडिंग मॉडल दिया बेसिकली. यहाँ पर ये फिगर दिखाई दे रही होगी इस तरीके की है, इस पर नेगेटिव चार्ज जो है वो इस तरीके से लगा हुआ है. ठीक है, इन्होंने यही कहा कि एटम ऐसे स्फेरिकल होता है, पॉजिटिव चार्ज तो क्या है, वो सारे में फैला पड़ा है.
और नेगेटिव चार्ज जो है वो कुछ कुछ रीजन में ही डिस्ट्रीब्यूटेड है। इस मॉडल को उन्होंने वाटरमेलन मॉडल भी बोला और प्लम पुडिंग मॉडल बोला। नेक्स्ट आते हैं, देखो नेक्स्ट इज़ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। ये बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट था, ये आपने 9th क्लास में भी पढ़ा है। यहाँ पे अल्फा पार्टिकल का स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो बेसिकली क्या करा रदरफोर्ड ने, फिगर नहीं है हमारे पास, चलो कोई नहीं मैं बना देती हूँ। देखो इन्होंने ऐसे करके एक सोर्स लिया इन्होंने, और इन्होंने आसपास ऐसे करके फ्लोरेसेंट शीट लगा दी। यहाँ इन्होंने लिए गोल्ड फॉइल। अब इस सोर्स में से अल्फ़ा पार्टिकल्स निकले, तो ज़्यादातर अल्फ़ा पार्टिकल्स हमने क्या देखे, वो सीधे सीधे चले गए, कुछ इस तरीके से डिफ्लेक्ट हो गए, कुछ क्या हुआ बहुत ही कम ऐसे थे जो एक वाइडर एंगल पे हमारे क्या हुए, डिफ्लेक्ट हुए कि ऐसे करके वापस चले गए। ठीक है, ज़्यादातर को क्या हुआ, देखो कुछ ज़्यादातर सीधे चले गए, कुछ थोड़े एंगल्स पे डिफ्लेक्ट हुए, और बहुत ही रेयर ऐसा हुआ जो सीधे का सीधा बाहर निकल गया। ठीक, इस तरीके की चीज़ इन्होंने एक्सपेरिमेंट करा। अब क्या ऑब्जर्वेशन रही इनकी, क्या कॉन्क्लूजन निकाला, उन पे ध्यान देते हैं। देखो रिज़ल्ट क्या रहे इस एक्सपेरिमेंट के, काफ़ी अनएक्सपेक्टेड रिज़ल्ट रहे। पहली चीज़, जो मोस्ट ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं वो क्या हुए, अनडिफ्लेक्टेड बाहर निकल गए। दूसरा वही जो अभी हमने बात कही कि वो कुछ एंगल्स पे डिफ्लेक्ट हुए। तीसरा बहुत ही कम क्या हुआ, 180 डिग्री पे वापस बाउंस बैक हो गए। तो इससे क्या ऑब्जर्वेशन निकाली हमने, हमने ये ऑब्जर्वेशन निकाली कि सबसे पहली बात करें तो मोस्ट ऑफ जगह जो है वो क्या है, खाली है एटम के अंदर, क्योंकि ज़्यादातर अल्फ़ा पार्टिकल क्या हुए, अनडिफ्लेक्टेड बाहर निकल गए। कुछ पॉजिटिवली चार्ज अल्फ़ा पार्टिकल्स जो है वो डिफ्लेक्ट हुए। जो डिफ्लेक्शन था वो किसकी वजह से, एनॉर्मस रिपल्सिव फोर्सेस की वजह से, जो कि क्या दिखा रहे, पॉजिटिव चार्ज को दिखा रहे एटम के अंदर। ठीक, देखो अब रिपल्शन अगर हो रहा है यहाँ पर, ये अल्फ़ा पार्टिकल यहाँ से टकरा के अगर जा रहा है किसी चीज़ से, वापस जा रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा एनॉर्मस पॉजिटिव चार्ज होगा। यहाँ क्या होगा, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक, और वो सारा का सारा, यानी इन्होंने ये माना रदरफोर्ड ने, जो जितना भी पॉजिटिव चार्ज है इसका मतलब सबका सब क्या है, एक ही जगह पे कंसंट्रेटेड है। ठीक है, तो कंक्लूजन क्या निकला कि जो पॉजिटिव चार्ज है और जो ज़्यादातर मास है वो एक ही जगह पे कंसंट्रेटेड है, छोटे से रीजन में ही। ठीक, उसे उस कंसंट्रेटेड रीजन को हमने क्या बोला, न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियस है वो इलेक्ट्रॉन्स से सराउंडेड रहता है, जो कि बहुत हाई स्पीड में मूव कर रहे हैं सर्कुलर पाथ्स में, जिन्हें हम ऑर्बिट्स कहते हैं। इलेक्ट्रॉन्स और जो न्यूक्लियस हैं वो आपस में एक साथ जुड़े रहते हैं, किससे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू। जो इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस है उनके बीच में क्या रहता है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है, विच इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। चले आगे, अब हम लोग पढ़ेंगे कल। थैंक यू वेरी मच।